मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर मेरे पास एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि छोटे बच्चों को हिंदी लिखना कैसे सिखाएं देखिए मैथ्स लिखना और इंग्लिश लिखना थोड़ा सा आसान होता है बट जो तो हिंदी के अक्षर होते हैं ना ये बहुत ही टेढ़े मेढ़े और घुमावदार होते हैं तो बच्चे को लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है आज मैं आपके साथ ये शेयर नहीं करूँगी कि आपने बच्चों को कैसे पेंसिल पकड़ना सिखाना है क्या सिखाना है मैं रेज्यूम कर रही हूँ कि आपने अपने बच्चे को इंग्लिश और मैथ्स लिखना सिखा दिया है तो हिंदी लिखने के लिए क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं ना वो क्या करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ वो बच्चे को इस तरीके की कॉपी में लिखना सिखाते हैं इसमें तो मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ अगर आप अपने छोटे से बच्चे को इस तरीके की लाइन्स वाली कॉपी दे रहे हो ना तो कभी भी इससे बच्चा नहीं सीख पाएगा हिंदी लिखना सीखने के कुछ नियम धर्म कानून होते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं सबसे पहला जो नियम है आपने अपने बच्चे को देने हैं इतने बड़े बड़े बॉक्सेस देखो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ ना हिंदी में सबसे ज़्यादा अक्षर होते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं अ से अनार बड़े ऐसे आम बच्चे को दोनों एक जैसे लगते हैं ए से एडी बड़े ऐसे एनक दोनों को बच्चे को एक जैसे लगते हैं मतलब सारे जो अक्षर है ना ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो मतलब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकती है तो आपने बच्चे को कभी भी एक साथ एक ही लाइन में सारे लिखने नहीं सिखाने हैं और इतने छोटे छोटे लिखने भी नहीं सिखाने हैं सबसे पहले आपने बच्चे को प्लेन पेज पे या इतने बड़े बड़े बॉक्स वाली कॉपी मिल जाती है मार्केट में इजीली आप उस उसपे ले सकते हो मैंने अपने बच्चों को सिखा दिया उस पर तो मैंने अभी नहीं खरीदी है मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं कि आप प्लेन पेज पे इस तरीके के बॉक्स बना सकते हो अब आपने क्या करना है जो भी अक्षर आप बच्चे को सिखा रहे हो ना वो आपने इसमें लिखना है सबसे आसान तरीका होता है क्योंकि जब हम प्लेन पेज पे या प्लेन बॉक्स में हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं ना हम उसको मेजरमेंट नहीं दे रहे हैं कि बेटा तुमने इतना ही बड़ा लिखना था ये ऐसा ही लिखना था वैसा ही लिखना था ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं हम बच्चे को सिर्फ उसे रिकग्नाइज करना सिखा रहे हैं कि ये है अ से अनार अ से अनार अब बच्चा यहाँ पे छोटा भी लिख सकता है बड़ा भी लिख सकता है और बहुत बड़ा भी लिख सकता है तो ये अभी उस पर छोड़ दीजिए अभी उसको हम सिर्फ लिखना सिखाएंगे साइज धीरे धीरे हम छोटा करेंगे इस तरीके से आप बना के दीजिए बच्चे को या फिर आप इस तरीके की बुक ले सकते हो ये मैंने अपने बेटे के लिए खरीदी है सेम उसी तरीके के बड़े बड़े बॉक्सेस इसमें तो बच्चा बहुत ही इजीली बना लेता है अब अगर मैं उसको बोलती हूँ ना ट से टमाटर कॉपी पे लिख के दिखाओ जैसे मैंने ये उसको दिया था पहले मैंने उसको बड़े बड़े क से कबूतर लिखने सिखाए थे आज ही कर रहा था वो बेसिकली इसमें अब वो छोटे छोटे भी लिख पाता है ये आप देख सकते हो अगर मैं सीधे उसको ये देती ना तो शायद वो नहीं कर पाता बट क्योंकि अब उसके माइंड में कर्व्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं तो इसलिए वो लिख पा रहा है क ख ग बाद में सिखाइएगा पहले अ आ सिखाइएगा क्योंकि उसमें कम कर्व्स होते हैं और उसमें लिखना आसान होता है जैसे अ से अनार बड़े ऐसे हम उसमें सिर्फ आ की मात्रा लगानी है तो बच्चे को थोड़ा सा आसान हो जाता है क ख ग जब हम चूज़ करते हैं तो उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं जैसे र से रस्सी और स से सपेरा तो वो कुछ कुछ मिलता जुलता सा ही होता है तो ऐसे अक्षर्स को एक साथ लिखना सिखा सकते हैं तो सिखाइएगा नहीं तो एक दिन के आगे पीछे सिखाइएगा इससे क्या होता है क्योंकि बच्चे को जैसे मैं आपको सिखाती हूँ व अगर बच्चे को व बनाना आ गया तो उसे ब बनाना भी बहुत जल्दी आ जाएगा बट हां जब आप ये दोनों सिखा देंगे तो एक दिन उसे कंफ्यूजन दूर करने के लिए रखिएगा र से रथ और स से सपेरा बच्चे को दोनों क्लियर हो गए हैं तो बार बार उससे पूछते रहिएगा नहीं तो बच्चा गलत बता सकता है क्योंकि दिखने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं बच्चों को तो बहुत ही सिंपल होता है बच्चों को हिंदी लिखना सिखाना बट थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है कि साइज मैटर नहीं करता है स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में बच्चा बड़ा बड़ा ही लिखेगा हो सकता है आपको इतना बड़ा भी लिखना सिखाना पड़े बच्चे को कि जब तक उसके दिमाग में क्लियर नहीं होगा वो उसके दिमाग में पिक्चर नहीं बनेगी वो नहीं लिख पाएगा तो पहले उसके दिमाग में पिक्चर बनाइए और फिर उसे लिखना सिखाइए उम्मीद करती हूँ इससे कुछ पेरेंट्स की थोड़ी सी हेल्प हो गई होगी जो अपने बच्चे को नया नया हिंदी लिखना सिखा रहे हैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करोगे शेयर करोगे हिंदी से रिलेटेड कुछ और वीडियोज़ मैंने बनाई हैं उन्हें आप देख लीजिएगा उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी स्पेशली क ख ग वाली लिंक दे रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग